ओके नेक्स्ट चलते हैं भी उसके बाद और देखते हैं और क्या आइडेंटिटी बना सकते हैं इससे। तो देखिए बेटा नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अपने को अच्छे से बताए कि साइन ए प्लस बी जो है उसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, दैट कैन बी रिटन एज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और साइन ए माइनस बी की अगर अपन बात करें तो हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आ रही क्या बात समझ में बेटा? यस सर। ओके इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर देता हूं, जैसे अगर ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी और ये इक्वल हो जाएगा किसके बेटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी। कॉस बी तो अपन बोल देंगे सिमिलर, फर्स्ट हो गया अपने पास में ये वाला कि साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, टू साइन ए कॉस बी लिख सकते हैं। सिमिलर अगर मैं यहां पे क्या दे देता, इनका डिफरेंस ले लेता, अगर मैं इनका क्या कर दू डिफरेंस कर दू तो ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा बेटा और ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रिमेनिंग रह जाएगा तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस ए साइन बी हो जाएगा। सिमिलर कॉस के जो फॉर्मूलाज हैं उनको अगर ऐड करेंगे तो कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी में जो साइन की टर्म्स है पॉजिटिव नेगेटिव वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी तो ट्वाइस कौन हो जाएगा भाई, ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस भी हो जाएगा। सिमिलर फोर्थ नंबर में अगर अपन बात करें कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी की अगर अपन बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, जो भी नेगेटिव वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी ट्वाइस हो जाएगी और पॉजिटिव वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी तो वो आ जाएगा माइनस साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी माइनस ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान में रखना थोड़ा सा कि यहाँ पे ये वाला जो है इसमें नेगेटिव साइन भी आता है, ठीक है ना? ओके ये तीन चार आइडेंटिटीज और आ गई अपने पास, हो गया ये। हो गया क्या नोट डाउन बेटा? यस सर। यस सर। ओके अब अपने को यहां से पता चल गया कि अपना जो भी
साइन ए प्लस बी प्लस अगर साइन ए माइनस बी अगर लिखा हुआ है इफ रिक्वायर्ड देन इट कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी। क्लियर है वाली बात बेटा जी? अरे आया क्या समझ में? यस सर। ओके अब देखिए बेटा, अब इससे और आइडेंटिटी कैसे प्रूव की जा सकती है। देखिए अपन बात कर रहे हैं पुट, या फिर ऐसा बोलते हैं कि इफ इफ ए प्लस बी को अपन ने बोल दिया समथिंग कुछ सी, ए प्लस बी का वैल्यू हो गया मान लो सी, एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू हो गया अपने पास क्या डी। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ये इक्वेशन नंबर वन और ये इक्वेशन नंबर टू। तो देखिए जरा, अगर इन इक्वेशंस को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, ट्वाइस ऑफ ए इक्वल हो जाएगा सी प्लस बी के, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा सी प्लस डी बाई टू हो जाएगा। सिमिलर अगर डिफरेंस ले लोगे तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा सी माइनस डी बाई टू आ जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? अरे आया क्या समझ में? यस सर। ओके अब इन वैल्यूज को क्या कर दो, इसमें इस इक्वेशन में पुट कर दो, ए प्लस बी का वैल्यू क्या सी, तो ये हो जाएगा साइन सी, प्लस ए माइनस बी का वैल्यू क्या डी, तो ये हो जाएगा साइन डी, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके भाई, ये इक्वल हो जाएगा सी और डी की फॉर्म में लेके आ रहे हैं इसको, तो सी और डी की फॉर्म में ए को फिर क्या लिखेंगे अपन सी प्लस डी बाई टू, तो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाई टू इन टू कॉस क्या हो जाएगा भाई सी माइनस डी बाई टू। तो यहाँ पे फिर फर्दर अपन बोल देंगे सिमिलर क्या हो जाएगा भाई, जो डिफरेंस वाला चेक करेंगे तो साइन सी माइनस साइन डी जो है ये इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई टू इनटू साइन सी माइनस डी बाई टू डिवाइड टू। सिमिलर कॉस सी प्लस कॉस डी की अगर अपन बात करेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस कॉस सी प्लस डी बाई टू प्लस डी बाई टू एंड कॉस एक्स सी माइनस डी बाई टू माइनस डी बाई टू। जल्दी से नोट डाउन करो, ये डिफरेंस वाला भी लिखते हैं फिर। आया ना ये सबको अच्छे समझ में, किसी को कोई डाउट? नो सर। हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर।
चलिए भाई, तो इन फॉर्मूलाज को अपन क्या बोलेंगे, सीडी फॉर्मूलाज बोलेंगे ना, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। सिमिलर अपन कॉस सी माइनस कॉस डी का भी लिख लेते हैं भाई, कॉस सी माइनस कॉस डी का हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाय टू एंड साइन सी माइनस डी बाय टू। अब ये माइनस साइन यहाँ पे अगर अपने को नहीं रखना है तो इस माइनस साइन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू ये हो जाएगा साइन, ये साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा, यहाँ पे माइनस थीटा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डी माइनस सी बाय टू हो जाएगा। क्लियर है वाली बात, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, यहाँ पे माइनस साइन या तो यहाँ पे लगाओ या फिर यहाँ पे इसको डी माइनस करो। ओके क्लियर है वाली बात बेटा जी, यस सर। ओके चलिए भी आप देखते हैं जरा कि इन पे जो बेस्ट क्वेश्चन है वो किस टाइप से आएंगे वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल उसने बोल दिया कि प्रूव दैट साइन ऑफ सेवन थीटा minus sine of 5 theta is divided by cos of 7 theta plus cos of 5 theta is equals to 10 theta, ye prove karna hai। to yahan pe kya laga doge, sin c minus sin d ka formula laga do, yahan pe sin c cos c plus cos d ka formula laga do aur dekho ki ye 10 theta pe convert ho raha hai ya nahi ho raha। क्या क्या प्रूफ बेटा, हो गया क्या प्रूफ? देखिए भाई साइन सी माइनस साइन डी लिख लेते हैं एक बार के लिए, दैट इज ट्वाइस ऑफ कॉस सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन c minus d by 2 and cos c plus cos d can be written as twice of cos c plus d by 2 and cos of c minus d by 2, तो लिख दीजिए भैया यहाँ पे, ये हो जाएगा twice of cos c plus d by 2 7 theta
प्लस 5 थीटा बाय 2 इनटू साइन 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाय 2 इज डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ कॉस 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाय 2 एंड कॉस 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाय 2 ओके ये हो जाएगा 12 थीटा बाय 2 कितना हो जाएगा भाई 12 थीटा बाय 2 कितना हो जाएगा 6 थीटा एंड 2 थीटा बाय 2 दैट इज सिंपल साइन थीटा इज डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ये भी सिमिलर हो जाएगा cos 6 थीटा एंड cos थीटा 2 से 2 कैंसिल आउट होगा cos 6 थीटा से cos 6 थीटा तो ये क्या हो गया अपना sin थीटा बाय cos थीटा जो क्या हो जाएगा अपना tan थीटा और ये अपना क्या है राइट हैंड साइड है क्लियर है वाली बात बेटा जी आया सबको समझ में बेटा चलिए तो होमवर्क के लिए मिलेगी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री की डीपीपी कंप्लीट करना है ओके आया सबको अच्छे समझ में बेटा यस सर हो गया नोट डाउन ये यस सर चलिए ओके तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सब लोग अपना अपना ध्यान रखो मस्त रहो व्यस्त रहो बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई करो ओके बेटा ओके सर ओके बाय बेटा बाय सर